चलो भाई कम ऑन, तो फातिमा हाथ लगानी चाहिए, ये इतना डरती है पत्नी क्यों? जाओ, गाय से डर रही है और ये गांव से डर रही है। गाय मैं ले जाऊं? नहीं, ये आपका बिक रहा है। चलो ये वाला ले जाता हूँ। आप नीचे कैसे बैठ गई हैं? जबरदस्ती बैठी है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं मंडी, और वो सामने मंडी है और ये मेरा ऑफिस का रास्ता ही है। तो खैर यहाँ पर भी बाहर जानवर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रोड के उस पार भी काफ़ी रश लगे रहे गाइज, वहाँ पर कितना रश हो रहा है, और वहाँ पर भी मेरे ख्याल से जो है ना बाहर जानवर बेच रहे हैं, तो इसलिए इतना रश हो रहा है। तो खैर हमने जो है सामने मंडी में जाना है, तो अब यहाँ चलते हैं। ये देखिए गाइज यहाँ पर इसलिए रश है क्योंकि यहाँ पर जो है ना बकरे सेल के जा रहे हैं और कुछ लोग जो है लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो गाइज यहाँ पर भी बाहर रश हो रहा है, बाहर इतना रश हो रहा है, अंदर क्या हाल होगा? हाँ अंदर तो मेरे ख्याल से बहुत रश होगा गाइस। हाँ गाइस ये सामने एंट्रेंस है और वहाँ पर भाई अभी मेरी नज़र पड़ी फूड स्ट्रीट भी है, और ये देखें फूड की सप्लाई भी हो रही है सुजुकी में, और यहाँ देखें गाइस कितने प्यारे प्यारे बकरे हैं। ये देखें गाइस, ये चेक करें भाई, जाने अंदर नहीं जाना, सिर्फ बार बार से देखना है फातिमा ने। बहुत बड़ी मंडी है भाई, ये देखें इस तरफ भी है भाई, इस तरफ चलते हैं, और इस तरफ गाइस काउज है और ऊपर से कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। ये देखें गाइस कितनी प्यारी प्यारी लाइट्स लगाई हैं, माशाल्लाह काउज भी बहुत प्यारी प्यारी है। ये चेक करें ब्लैक एंड वाइट, ये कितनी खूबसूरत है, वो वाली कितनी प्यारी है। कौन सी वाली? वो रेड जिन्होंने कैप पहनी हुई है। रेड कैप पहनी हुई है, चलो चलते हैं। हाँ चीज़ें उनके लगाई हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे भी बहुत प्यारी प्यारी है। ये वाली गाइस बहुत प्यारी है माशाल्लाह, ये चेक करें भाई, माशाल्लाह सब बहुत प्यारी हैं गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें भाई। तो फातिमा इसकी बात कर रही थी गाइस कितना प्यारा है माशाल्लाह, और फातिमा कह रही थी रेड कैप पहनी हुई, ये रेड कैप नहीं है, इसे कहते हैं मोरा, मोरा कहते हैं, मोरा मोरा। तो ये देखें भाई कितनी प्यारी है माशाल्लाह, लात तो नहीं मारेगी ना? नहीं लात। चलो भाई कम ऑन, तो फातिमा हाथ लगानी चाहिए, ये इतना डरती है पता नहीं क्यों, जाओ, गाय इससे डर रही और ये गाँव से डर रही है गाइस। ये कितने करीब आ गई थी गाइस मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, हाथ लगाना था, लगा लिया। प्यार करो ना उससे जाके। इससे मत क्या होता है। ऐसे करो ऐसे, देखो कितनी शरीफ है गाइस ये। अरे चलो भाई चलो भाई, गुस्सा नहीं होना। मेरे ख्याल से गाइस ये सेक्शन जो है ना सिर्फ काउस का है, और इसके अलावा ये सेक्शन भी, हम राइट साइड पर टर्न हुए ना तो सारी जो ना काउस ही हैं, और उसके अलावा जो उस साइड पर ना सारे जो ना बकरे हैं। तो ये देखें भाई यहाँ पर सारे जो ना माशाल्लाह प्यारी प्यारी गायें और बैलें हैं, यहाँ पर और भी फैमिलीज आई हुई हैं जो वीडियोस बना रही हैं हमारे अलावा। देखा ना, और भी फैमिलीज आई हुई हैं जो वीडियोस बना रही हैं। वीडियोस हाँ वही वीडियोस ही बना रही है ना टिकटॉक के लिए। ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें यार, ये माशाल्लाह कितनी जानदार है, ओह माशाल्लाह गाइस कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर भी बैल हैं। ये यार ये ओए होए होए, ये चेक करें भाई माशाल्लाह, ब्लैक एंड वाइट इसका साइज़ गाइस चेक करें, और इसके पीछे ये वाली भी, इनका कलर डिफरेंट है, बाकी जो है साइज़ वगैरह सेम ही है। तो इन भाई ने जिस तरह से जो है ना कैमरा पकड़ा है, मेरे ख्याल से व्लॉगर भाई हैं, ये देखें ये व्लॉग बना रहे हैं ना, इन्होंने कैमरा मेरी तरफ पकड़ा है तो मुझे आइडिया हो गया व्लॉग बना रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी है, जहाँ पर सौदा बन जाए तो फौरन से गाड़ी में ला लो और ले जाओ, ये ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई है। और मंडी के बाहर भी ट्रांसपोर्ट का बहुत रश था, बड़ी मुश्किलों से गाइस अंदर एंटर हुए, खैर अंदर आए तो इतना रश नहीं है, बाहर बहुत रश था। तो गाइस माशाल्लाह बहुत बड़ी मंडी है, ख़त्म ही नहीं हो रही, और यहाँ पर लाइट्स कम है लेकिन यहाँ पर भी ना काफ़ी ज़्यादा काउज हैं, वो ब्लैक एंड वाइट कितनी बड़ी खड़ी हुई है। वहाँ चलते हैं भाई, उसके पास चलते हैं, इसके पास जाने का रास्ता कहाँ है, वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। चलो भाई वहाँ से चलते हैं। तो भाई इस घूम पे हम जो है ना ब्लैक एंड वाइट के पास आ गए, ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें भाई, मुझे ही देखिए लगता है, हाय हेलो, देखें भाई कितनी प्यारी माशाल्लाह। तो खैर गाइस अभी हम बकरों के डिपार्टमेंट में आ गए, यहाँ पर सारे बकरे ही बकरे हैं, और ये चेक करें भाई ये वेट चेक करने के लिए है, यहाँ पर बकरों का वेट चेक किया जाता है। बहरहाल मेरा वेट जो है ना मैंने सुबह जो है ना चेक कर लिया था, आपको बताएं मैं कोरियर करवाने गया ना, वहाँ पर मैंने अपना वेट चेक किया, अच्छा पता है कितना हो गया, कितना गैस करें आप, कितना हो सकता है? 58 मेरा वेट। यस आपका कितना वेट है? 54 वेट है आपका, 54 है तो मेरा 56-58 कैसे हो सकता है? 60 होगा, नहीं 75 वेट है मेरा, कोई बात नहीं होता है।
होता है जब जिम ना जाओ और कोई वर्कशॉप ना करो ना, तो ऐसा होता है। खैर, इसे कम करने की कोशिश बाद में करेंगे, फिलहाल हम जो है ना मंडी एक्सप्लोर करते हैं, जो करने आए हैं। यहाँ पर स्टार्ट होने गाइस, प्यारे प्यारे से बकरे, ये चेक करें भाई, छोटे छोटे सिंग वाले, ये ब्लैक एंड वाइट चेक करें भाई, ये भी प्यारे लग रहे हैं। ओए ये बिल्कुल हिरन की तरह नहीं लग रहा? इसके तीन सिंग है क्या? नहीं, दो सिंग है भाई, दो कान है, मुझे तीसरा सिंग लगा, वो कान को मैंने सिंग बना दिया, तो इसके जो है ना दो ही सिंग है छोटे। हाँ, ऐसे लगे सिंग है ना, जैसे कान बिल्कुल जो है ना एक्टिव है। और ये भाई जो है ना इनके मालिक है, ऐसे ही है। चले यार, माशाल्लाह बहुत प्यारे बकरे आपके यार, वो दुम्बा भी रखा हुआ आपने ना। चलो, सब बहुत प्यारे हैं। और अभी आगे चलते हैं, ये देखें भाई यहाँ से भी आ रहे हैं, इनको रास्ता देते हैं, वरना टक्कर ना मार दें। जाओ भाई जाओ। तो गाइस, मेरा दिल चल रहा है अंदर जो है ना कूद जाऊँ, यहाँ पर जो है ना इनका जंगला बना हुआ है और अंदर जो है ना सारे बहुत ही प्यारे प्यारे जो है ना बकरे बकरियाँ जो है ना अंदर बैठी हुई हैं, तो मेरा दिल कर रहा है ना अंदर चले जाता हूँ। हाँ, वो देखो कितने प्यारे, वहाँ से घूम के चलते हैं। ये देखें गाइस, कितने प्यारे सजाए हुए हैं, और बच्ची इनके साथ जो है ना पिक्चर कैप्चर करा रही है। इनको जो है ना यहाँ से दिखाते हैं आपको, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे। और ये भी जो है ना एक बैठा हुआ है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है भाई। चलो यार, ये बकरा मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है? ये बकरा मैं ले जाऊँ? नहीं, ये आपका बकरा है। चलो ये वाला ले जाता हूँ। अच्छा, ये वाला ले लो। अच्छा, ये वाला लूँ? वो वाला नहीं ले सकता। चलो भाई, ये बुक हो चुका है, ये बच्ची जो है ना बोलिए मेरा बकरा है, इससे जो है ना हाथ मत लगाओ। चलो भाई, ये देखो भाई कितना प्यारा सा नन्ना मुन्ना जो है ना दो सिंग वाला भाई। यहाँ पर बकरे जो है ना माशाल्लाह सब जो है ना VIP हैं भाई, बहुत माशाल्लाह प्यारे प्यारे हैं। तो गाइस, पूरी मंडी में ना सबसे जो बड़े बकरे दिखे ना, वो ये सामने, ये देखें गाइस माशाल्लाह कितने बड़े बकरे हैं भाई। ये कौन सी नस्ल कहलाती है? पता नहीं, पूछ लेते हैं। यार, ये कौन सी नस्ल है? गुलाबी नस्ल है। अच्छा, गुलाबी नस्ल। तो बकरों की सबसे जो है ना टॉप पे जो नस्ल कहलाती है वो गुलाबी होती है, ऐसी है। उसके बाद वो कौन सी होती है? चीनी मक्खी। चीनी मक्खी होती है ना, तो सबसे टॉप पे जो होती है ना वो गुलाबी नस्ल होती है भाई। तो ये रे भाई माशाल्लाह भाई, ये चेक करें इनका साइज़ गाइस, चेक करें भाई। ये मारेंगे तो नहीं कि करीब जाऊंगा तो? हाँ भाई, मारेगा तो नहीं? अच्छा भाई, नहीं मारा, नहीं मारा। बकरे होते थे ना, मारेगा। अच्छा, देखें गाइस कितना प्यार है। एक बकरा था। अच्छा, तो बड़ा पाला था। वो कौन सी नस्ल थी? मुझे नस्ल याद नहीं, दो साल पहले की बात है। अच्छा, तो भाई ये जो ना गुलाबी नस्ल है, देखें गाइस इसका साइज़ चेक करें। पास में करीब खड़े हो ना? मैं तो छोटी लग रही हूं। यार ये माशाल्लाह बहुत प्यारा और शरीफ है, देखो। ये कह रहे बस हाथ फेरो, इनको हाथ फेरो। ये भी गाइस सेम जो है ना इसके साइज का, ये इससे इसको बांधा होगा। यार मारता तो कोई नहीं है ना? नहीं मारता। हाँ, नहीं मारेगा ना? वैसे जो है ना सबसे बड़ा बकरा यही लग रहा है मुझे, पूरी मंडी घूम चुके हैं, सबसे बड़ा बकरा है। बाकी सब माशाल्लाह प्यारे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा बकरा ये लग रहा है। और एक जो बैठा हुआ है ना, वो लग रहा है मुझे, वो वाला। हाँ, ये देखें भाई, ये जो बैठा हुआ ना, ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये तो भाई फातिमा से दूर ही जा रहा। फातिमा, गैस करो इसकी क्या प्राइस होगी? एक सौ पर होगी। चलो भाई, अब भाई से पूछते हैं, जो व्यापारी भाई है, कीमत क्या है? कीमत 2.5 लाख। 2.5 लाख है इस एक की? मैंने कहा था, सुन लिया आपने? चलो भाई गाइस, इसके कान चेक करें भाई, ये देखें भाई, ये चेक करें कान, तो चेक करो इसके कितने बड़े बड़े माशाल्लाह। ये चेक करो भाई, इससे दोस्ती कर लो। दोस्ती कर रहे हैं? हाँ, दोस्ती कर रहे हैं ना। ये देखो भाई, ये तो कुछ कह रहा ही नहीं है। ये देखें गाइस, कान चेक करो, इतने माशाल्लाह प्यारे और जो है लंबे हैं, ये देखें भाई। तो गाइस, पूरी मंडी में जितनी भी गायें बैलें बकरे बकरियाँ, सबसे ज़्यादा जो ना बकरों में, बकरों की बात करें, सबसे ज़्यादा जो बड़ा बकरा है, जानदार बकरा है, वो ये है। और सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव भी ये है, देखो भाई, इसको नींद आ रही है। आप प्यार करिए तो इसको नींद आ रही है। चलो भाई, इससे पहले जो ना ये आपको छोड़े मत, चलते हैं भाई। चलो भाई, मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यारे हो माशाल्लाह, बहुत ही जो है ना महंगे भी हो। इस ब्लैक वाला भी खड़ा हो गया, तो इसके पास भी चल के हमने सोचा प्यार कर लेते हैं। ये सारे जो है ना कोऑपरेटिव बकरे हैं भाई, ये कुछ नहीं कह रहे। ये देख रहा। कौन सा ला देख रहे हैं? ये देख रहे हैं, इसकी गाइस आइज देखें कितनी प्यारी है, ये चेक करें। ये भी तुम्हारी गोद में सो रहे हैं। यार कितने प्यारे माशाल्लाह, यहाँ पर जितने भी है ना सारे गुलाबी है ना, बहुत प्यारे, बहुत ही क्यूट है। चलो आ जाओ आ जाओ गाइज। मैंने चीनी मक्खी नस्ल तो देखी थी, लेकिन गुलाबी नस्ल कभी नहीं देखी थी, तो फर्स्ट टाइम गुलाबी नस्ल देख रहा हूँ। और जो ना इन सब से मुलाकात भी करूँ, तो काफ़ी माशाल्लाह प्यारे, और जैसे कि मैंने बताया बहुत कोऑपरेटिव है, ताउन करने वाले हैं,
तो काफ़ी जो अच्छा लग रहा है भाई। ये चेक करें भाई, ये देखें कितने जो प्यार और मोहब्बत से सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं। तो गाइस जा ही रहे थे तो यहाँ पर ये छोटा सा जना मुझे दिखा और इसके सींग चेक करें भाई, ये खुद तो ना छोटू में है और इसके सींग देखें कितने बड़े हैं। ये चेक करें भाई, सामने से दिखाते हैं भाई इसके सींग, ये चेक करें भाई इसके सींग। ये चलो भाई अब देखें इसके सींग गाइस, ये चेक करें क्या टेक्निक है भाई क्या टेक्निक जो है ना अपना ये फातिमा ने इसके सींग दिखाने के लिए, माशाल्लाह बहुत प्यारा है भाई। गाइस ये जो ना गाय और बैलों से बहुत डरती है और बकरों के पास जो ना बहुत जो है ना आराम से जाती है, क्या वजह है भाई गाय बैलों से इतनी डरती हो? बकरे मारेंगे तो खैर है, इतनी चोट नहीं लगती, जब गाय बैल मारते हैं ना तो बहुत चोट। हाँ भाई ये भी है, इनके मारने से कुछ नहीं हुआ लेकिन सींग वाले से ना मुझे डर लगता है, बस मुझे सींग वाले से डर लगता है, बाकी जो ना नॉर्मल बकरों से नहीं लगता और सींग वाली बैलों से भी डर लगता है। लास्ट टाइम जो सींग वाली बैल थी ना उसके जो ना करीब जाने से मैं बहुत डरता है, लेकिन गाय बैलों के पास जो ना जाके प्यार मोहब्बत कर लेता हूँ, मगर सींग जिसके ना चाहे वो बकरा हो या बैल हो तो उनसे बहुत डर लगता है। जैसे अब जो ना छोटा सा था ना इससे भी डर लग रहा था, लेकिन खैर ये कुछ नहीं कह रहा है, अपने ना खाना खाने में मसरूफ़ है तो इसे डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं यहाँ से। ये देखें भाई इस बकरे का वेट चेक करें, ये वेट मशीन है भाई। तो गाइस हमने पूरी मंडी एक्सप्लोर कर ली और अब जो है ना वापसी हम सामने जहाँ से एंटर होते वहाँ आ गए। हाँ जी और घूमने या चलें? नहीं बस मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं, काफ़ी रश हो रहा है, देखें गाइस काफ़ी रश हो रहा है यहाँ पर, नन्हे मन्ने बच्चे भी आए हुए हैं और फैमिलीज भी आए हुए हैं गाइस। तो ये जो है ना बकरों का सेक्शन है और ये जो है ना काउस का सेक्शन है। हाँ तो जी घर पहुँच चुका हूँ, इस वक्त टाइम क्या है, टाइम दिखाओ जल्दी से। टाइम 12 बज गए। 12 बज गए। तो गाइस सुबह 12 बजे से निकला था ऑफिस के लिए और अब 12 बजे हैं तो मैं घर पहुँचा हूँ। खैर सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, नया सूट पहना है आपने आज जी, क्या बात है क्या बात है। चल क्या अच्छा मैचिंग की भाई, फुल मैचिंग की है आप। बेडशीट मैंने पहले बिछाई थी। अच्छा और जब मैं सूट पहन के बैठी ना बेड पर, फिर मैंने अचानक मेरी नजर पड़ी बेडशीट पर। क्या बात है कि बेडशीट और आपका सूट मैच हो गया जी। तो खैर वैसे भी काफी लेट हो गया हूँ तो मैंने सोचा आज बाहर से खाना लेते आता हूँ, तो ये मैं लाया हूँ चिकन टिक्के हैं इसमें। अच्छा। ये दो फालसा जूस हैं, सब मिल बांट के पी लेना। चिकन टिक्के हैं आपके लिए, चिकन रोल है क्योंकि आप टिक्का नहीं खाती, थोड़ा बहुत खा लेना क्योंकि मैं जेना ज्यादा लाया हूँ, आप भी थोड़ा बहुत खा लेना। ये नहीं पकड़े भाई बहुत भारी है। तो खैर गाइस अभी फ्रेश होते हैं, खाना छाना खाते हैं, बहुत लेट हो गया है, 12 बज गए और बहुत काम था आज क्योंकि ईद आने वाली, ईद करीब है तो इसलिए ईद का काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आज 12 घंटे बाद जो है ना मैं घर गया हूँ पहुँच अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी जाएं आप, खाना शाना जो है सबको दें, अब्बू अम्मी भाई भाभी और फिर आप और मैं एंड में खा लेंगे, और मुझे फालसे का जो थोड़ा सा देना। चलिए पहले फ्रेश होगी फिर आपको दूंगी। ये क्या हो गया? क्या मेरी शर्ट देखें? हाँ मैंने देखा है। दिखाएं? कलर लगा कर आए हैं शायद। पता नहीं क्या लग गए, किसी दीवार के साथ लगता है, आप खड़े थे और दीवार से कलर वगैरह। कौन सी पिंक कलर की दीवार थी जहाँ खड़ा हुआ था? पीछे पीछे सही है। चलो भाई शुक्रिया। चलो जी आप जाएं खाना खाना दें सबको और फिर जो हम भी खाते ठीक है। मिलते हैं गाइस आप सबसे भी कुछ देर बाद। अम्मी अब्बू को भी मैंने खाना दे दिया है। अम्मी आज आप नीचे कैसे बैठ गई हैं? जबरदस्ती बैठी है ऐसे होगा जैसे मैं सिंगल पिछली बार आराम से बैठ। चलें आप खाना खाएं। हाँ जी खा रहे हैं जी। थैंक यू बेटा, यूर वेलकम। आज जो खाना बेहतरीन मंगाया आपने। कभी कभी खाना बाहर से चल जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने सलाद भी ले लिए, चटनी भी और साथ में पराठे और टिक्का। ये खाना है भाई भाभी का, भाई भाभी ऊपर कभी लेकर चलते हैं। ये रहे हमारे भाई भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गुम सुम है, मिल नहीं रहे, मोबाइल ले लिया अकेले अकेले, अनबॉक्सिंग की है, सबके रिव्यू लेने हैं, कहीं गुम सुम नहीं, बस वो पानी बिल्डिंग वाले को दे रहे थे। मैं लेट हो गया ना तो मैंने काम भेजा था मुझे, मैं अभी अभी छत पे आया तो पानी लोगों को चाहिए था इसलिए मैं आया कि उनकी जरूरत रही। चलिए आप खाना एंजॉय करें उसके बाद आपकी क्लास लगाते हैं। आपकी आपने मोबाइल लिया है कोई बताया भी नहीं, कल भाभी ने कहा सरप्राइज है आधे घंटे में देखने को मिलेगा, लेकिन आधा घंटा ऐसा था कि दूसरी रात आ गए लेकिन सरप्राइज हमें दिखा नहीं है। भाभी कैसा सरप्राइज था? चलिए आप पहले तसल्ली से खाना खा लें, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाई ये आपका और भाभी का है फालसे का जूस। अंदर ही ऊपर है, पता है ये डबल पैकिंग हुई है जी, खराब हो ना? खराब नहीं, गिर ना जाए। अच्छा सदर से आया है। अच्छा सदर से आया है। जी बड़ी बात यार, बाइक पे लेकर आया।
जी मैं बोलूँ लेट क्यों हो गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वकार का भी और आपका भी, थैंक यू सो वेरी मच। किस चीज का? आप लोगों ने इतना सोचा, खिलाया पिलाया। अभी पीऊंगा ना, खाया तो नहीं, खाया मैं, खाना खा लिया था ऑलरेडी। अच्छा। गलती ये हुई, मुझे पता नहीं ये चीज आ रही है। अच्छा। मैं तहे दिल से वेट करता, तहे दिल से खाता। अभी जो है ना खाना खा बैठा, अब मैं खाऊंगा कल। और इस प्लेट में से एक भी बोटी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब अभी आपने बोटियां बचा के रखी हैं? रखी नहीं है, कल खाऊंगा। अभी अभी तो रोटी खा ली मेरे सामने सर। अच्छा, गलती हुई मेरे से ये। चले अभी जूस पीते हैं। और टैंग भी पीनी है? टैंग है पानी, ये जूस आ गया तो बस इनफ है। चलें ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अभी जा रहा हूँ नीचे क्योंकि बाइक मेरी है बाहर पार्क, तो बाइक करनी है अंदर पार्क, और साथ ही में मामू की दुकान पे जाना है। तो मामू की दुकान अगर ओपन हुई तो सौदा सामान भी लेंगे, पहले बाइक पार्क करते हैं। चले जी घर पहुंच गए हैं और बाइक पार्क कर दी थी गाइस, और साथ ही साथ मामू की शॉप पे गया, बट मामू की शॉप जो है क्लोज हो गई थी। नाश्ते का सामान लेना था जो अब नहीं ले पाया, तो कल अम्मी को सुबह ऑफिस ड्रॉप करने जाऊंगा और वापसी भेजना नाश्ते का सौदा सामान लेके आऊंगा। बाकी फातिमा से पूछते हैं, आज तो मेरा व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पाया, कल मंडी गए थे, कल मंडी वाला व्लॉग ये गाइस, और उसके बाद आज जो है ना मेरे ख्याल से ऑफिस से आने के बाद कंटिन्यू किया। फातिमा ने पता नहीं सारा दिन किया। फातिमा से पूछते हैं, हाँ जी कैसा रहा आपका दिन, क्या किया पूरा दिन? फ्राइडे तो अच्छा दिन होता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा दिन गुजरता है। चलें बहुत जबरदस्त। और आप बताएं जुम्मा नमाज पर गए थे? जी जुम्मा नमाज अदा की, उसके बाद क्योंकि 12 बजे ऑफिस गया था तो 2 बजे जुम्मा नमाज होती है ऑफिस के पास मस्जिद में अदा की। उसके बाद जब सीट पे आया तो फिर बैठा रहा, और फिर जो है ना 12 बजे आपके सामने घर आया, आपके साथ डिनर किया और थोड़ी देर बाहर गया और वापस घर आया। तो यही रूटीन थी, खास रूटीन थी। बाकी ईद के बाद गाइस कुछ खास होने वाले हैं और जॉब से रिलेटेड कुछ खास होने वाले हैं, तो ये सरप्राइज रखते हैं अभी। ठीक है, आपसे तो मैंने शेयर किया हुआ है ना जी? हाँ जी। तो यूट्यूब फैमिली आप सब शायद इस बात पे नाराज़ हो, लेकिन ये होना भी ज़रूरी था। तो ये सरप्राइज ईद के बाद जो ना मिलेगा। ठीक है गाइस, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे, तो अल्लाह ताला मुस्तफ़ा को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला मेरे प्यारे से छोटे भाई को जल्द से जल्द सेहतयाब करे और लंबी जिंदगी अता करे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और मैंने ढेर सारी दुआएं की हैं और आप सब लोग भी दुआएं कीजिएगा ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी गाइस, कुर्बानी के जानवर का सीन कुछ ऐसा है कि हर साल की तरह इस साल भी हमने पंजाब में कुर्बानी की है, और इस साल मैंने सोचा था कि एक पंजाब में करेंगे और एक करेंगे कराची में। और इसके साथ साथ जैसा कि आप सबको पता है, कुछ अरसा पहले मैंने एसी लेने का भी सोचा था, बट ये सीन जो ना कैंसिल हो गए क्योंकि ऐसा हुआ कि हमें जो ना अपने जहां पर जो हमारी बिल्डिंग है इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे, उसकी जो ना हमें वेरिफिकेशन करवानी थी और डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट करवाने थे जो कि बेहद ज़रूरी थे ईद से पहले ये करवाने। तो उसके लिए जो है ना 2 से 2.5 लाख रुपए जो है ना डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करने के लिए जो ना वो सारे पैसे वहाँ लग गए। तो इसलिए जो ना हमने नाइसी लिया, क्योंकि आज देखें गाइस अभी पसीना निकल रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये सीन है, इसी वजह से हमने ना एसी लिया है और ना ही जो है ना मतलब एक कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब में हमेशा रखते हैं वो तो जो है ना कर रहे हैं, और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी कुर्बानी कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। बाकी इस साल यहाँ कराची में नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बाकी यहीं करेंगे आज का व्लॉग एंड, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।